नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग एग्रोनॉमी क्रॉप्स के जो साइंटिफिक नेम होते हैं उनको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे वो आज देखने वाले हैं। तो पहला है ग्रीन ग्राम, इनका साइंटिफिक नेम है बिगना रेडियाटा। अब देखिए, ग्रीन ग्राम में छुपा हुआ है ग्रीन, और हल्क का भी जो कलर होता है वो भी ग्रीन होता है, ठीक है। और जो ब्रूस बना रहे वो हल्क कैसे बने, ड्यू टू रेडिएशन, ठीक है। और उनका कलर हो गया ग्रीन। अब देखिए, और उसी प्रकार बिगना रेडियाटा में रेडियाटा छुपा हुआ है, इससे आप रेडिएशन कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। रेडियाटा को रेडिएशन कंसिडर कर लीजिए, और ब्रूस बना हल्क कैसे बने, रेडिएशन से, और उनका कलर हो गया ग्रीन। तो ग्रीन है तो रेडियाटा है, और रेडियाटा है तो ग्रीन है, ऐसे कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब उसके बाद है ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम का साइंटिफिक नेम है फासियोलस मुनगो। अब मुनगो से आप कंसिडर कीजिए नीग्रो को, और ब्लैक ग्राम में छिपा हुआ है ब्लैक, और अधिकतर जो नीग्रो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है। ब्लैक ग्राम में छुपा हुआ है ब्लैक, और फासियोलस मुनगोस में छुपा हुआ है मुनगो, इससे कंसिडर कीजिए नीग्रो को। नीग्रो जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है, इससे को लेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब उसके बाद है कापी। कापी का साइंटिफिक नेम है बिगना यूनिगुलाटा। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए, कापी में छुपा हुआ है काव, और बिगना उनिगुलाटा में छुपा हुआ है लाटा, या फिर उसको बोल सकते हैं लाप, ठीक है, लाप। और अधिकतर जो गाय भैंस होते हैं वो अधिकतर दूध निकालते समय लात मारती हैं। अधिकतर जो काव होते हैं वो क्या करते हैं, दूध निकालते समय लात मारती हैं। और देखिए, यूनिगुलाटा में भी छुपा हुआ है लाता, लाता मतलब लाप, LAT, लाप, से को लेट कीजिएगा। कॉपी में छुपा हुआ है काव, और यूनिगुलाटा में छुपा हुआ है लात, ठीक है, इसे कोलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है पिजन पी, इसका साइंटिफिक नेम है कजानुस काजान। और देखिए, पिजन में छुपा हुआ है, पिजन पी में छुपा हुआ है पिजन, और कजानुस काजान में छुपा हुआ है काजान, ये दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, पिजन और काजान दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, इसे कोलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब इसके बाद है सोयाबीन, इसका साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स, और ये भी दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, ग्लाइसिन और सोयाबीन दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, इसे कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है बंगाल ग्राम। बंगाल ग्राम, इसका साइंटिफिक नेम है सीसर रिटेटिनम। देखिए, बंगाल ग्राम में छुपा हुआ है बेन, बेन से कंसिडर कीजिए बेंटेन को, बेंटेन को। अब बेन के बाद एक डिजिट आ रहा है, बेंटेन में बेन के बाद एक डिजिट आ रहा है टेन, उसी प्रकार बंगाल ग्राम में भी बेन के बाद उसका साइंटिफिक नेम में कोई एक डिजिट होगा, ठीक है। तो देखिए, सीसर अरिटेटिनम में तीन है, ठीक है, तीन है, तीन से कंसिडर किए थ्री को, ठीक है, तो क्या होगा, बेन टेन, ठीक है, इससे कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। मेज, उसके बाद है मेज। मेज का साइंटिफिक नेम है जिया मेज, याद कैसे करेंगे, इसका साइंटिफिक नेम में छुपा हुआ है मेज, और इसका कॉमन नेम भी छुपा हुआ है मेस, इससे कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब दूसरा ट्रिक क्या है, देखिए मेज में छुपा हुआ है ZE, और इसका साइंटिफिक नेम का पहला दो लेटर भी ZE है, ठीक है, इससे कोरिलेट कर लीजिएगा, ये याद हो जाएगा। अब उसके बाद है बार्ले, इसका साइंटिफिक नेम है होर्डियम बुलगारे। अब याद कैसे करेंगे,
देखिए, बार्ले और बुल्गारे दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, इससे कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। बार्ले है तो बुल्गारे हैं, और बुल्गारे है तो बार्ले हैं। और ये बार्ले का साइंटिफिक नेम क्या है? ये राजस्थान सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2021 में। राजस्थान सुपरवाइजर में बार्ले का साइंटिफिक नेम क्या है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद है सोरगम, सोरगम का साइंटिफिक नेम है सोरगम बाइकलर। देखिए सोरगम में है सोरगम, और इसका साइंटिफिक नेम ही सोरगम छिपा हुआ, इसे कोलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब उसके बाद है सीसम, सीसम का साइंटिफिक नेम है सीमम इंडिकम। अब देखिए सीसम में छिपा हुआ है सी, और इसका साइंटिफिक नेम में भी छिपा हुआ है सी, इसे कोलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। दोनों में सी सी छिपा हुआ है। और लिनसीड, लिनसीड का साइंटिफिक नेम है लीनियम लीनम एस्टिवम, और लिनसीड में छिपा हुआ है लीन, और इसका साइंटिफिक नेम में भी छिपा हुआ है लीन, इससे कोरिलेट कर लीजिएगा, दोनों में लीन लीन है, तो इससे याद हो जाएगा। अब उसके बाद है जूट, ठीक है, उसके बाद है जूट, जूट से कंसिडर कीजिए झूठ, ठीक है, झूठ। और अधिकतर झूठ कौन बोलते हैं? जो चोर लोग होते हैं वो अधिकतर झूठ बोलते हैं, ये चोर है वो अधिकतर झूठ बोलते हैं। और झूठ का साइंटिफिक नेम है कॉर्चोरस स्पीसीज, और कॉर्चोरस में भी पहला 3 लेटर को देखिए चोर लिखा हुआ है, इसको कोर को चोर कंसिडर कर लीजिए, तो इसे याद हो जाएगा। तो झूठ कौन बोलते हैं? चोर लोग बोलते हैं अधिकतर, झूठ कौन बोलता है? चोर लोग बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम में ही चोर छुपा हुआ है, ठीक है, कोर छुपा हुआ है। और उसके बाद भी देखिए CHOR, इसमें भी चोर छुपा हुआ है, इसे कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब उसके बाद है केस्टोर, केस्टोर का साइंटिफिक नेम है रिचिनियस कम्युनिस। अब याद कैसे करेंगे? देखिए केस्टोर में छुपा हुआ है केस, और रिचिनियस में छुपा हुआ है रिची। अब देखिए जब किसी के पास बहुत सारे केस होते हैं, बहुत सारे केस होते हैं, केस मतलब पैसे वाला केस होता है, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा रिच समझने लगता है, रिची से कंसिडर कीजिए रिच को, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रिच समझने लगता है, यही ट्रिक है। केस है, केस है तो रिच है, और रिच है तो केस है, इसे कोलेक्ट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है निगर, निगर से कोलेट कीजिए टाइगर को, निगर से कंसिडर कीजिए टाइगर को। और टाइगर कहाँ पर रहते हैं? वो अधिकतर या तो जंगल में रहते हैं या फिर जू में रहते हैं। और निगर का साइंटिफिक नेम में भी छिपा हुआ है ZO, ठीक है, ZO से कंसिडर कर लीजिए आप जू को, और निगर से कंसिडर कीजिए टाइगर को। और टाइगर अधिकतर कहाँ रहते हैं? या तो वे जंगल में रहते हैं या फिर वो जू में रहते हैं, और यही ट्रिक है। देखिए तो टाइगर लोग कहाँ पर रहते हैं? अधिकतर वो जू में रहते हैं या फिर ये जंगल में रहते हैं, ठीक है, इसे कोलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।